हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल आरएलसी ट्यूटोरियल्स में। अभी जैसा कि सिंक्रोनस मशीन की जो इसके पहले की जो लेक्चर थी उसमें हमने कवर किया था कि रोटर का जो बेसिक कंस्ट्रक्शन पार्ट होता है कि किस टाइप की वाइंडिंग आप यूज़ करते हो और आपका जो एम होता है टू गेट द प्योर साइनोसोडल सिग्नल अदरवाइज प्योर साइनोसोडल वेव आउटपुट, तो उसके लिए आप उसमें क्या करते हो, डिस्ट्रीब्यूशन करते हो वाइंडिंग्स का, मतलब कंडक्टर्स का, और फिर शॉर्ट पिच करते हो। इसके पहले जो हमने फार्मूला डेराइव किया था वो फार्मूले में हमने ये दोनों चीज़ों को क्या किया था, स्किप किया था। हमने जो भी वाइंडिंग ली थी वो वाइंडिंग जो थी आपकी वो क्या थी, नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड थी, और जो शॉर्ट पिच नहीं थी वो फुल पिच कॉइल थी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये दोनों चीज़ें करने से क्या इफेक्ट आएगा और वहाँ से हम एक फैक्टर का डेरिवेशन करेंगे और फिर उस फार्मूले में लास्ट में वेरीफाइड कर देंगे उस फार्मूले को। ओके गाइस, तो चलिए आज का जो टॉपिक है उसे हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइंडिंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइंडिंग करने से क्या फ़ायदा मिला था आपकी, देखिए फ़ायदा क्या मिला था आपको बताते हैं और किस तरीके से ये फ़ायदा मिला है, मतलब आपकी जो सिग्नल है वो मोर साइनोसोडल हो जाएगी। फायदा आपको क्या मिला था कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इंड्यूस्ड फायदा पहले देख लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाएगा, मोर साइनोसोडल बन जाएगा। ठीक है, ये फायदा था। दूसरा फायदा क्या था कि इंड्यूस्ड हार्मोनिक रिड्यूस्ड हार्मोनिक्स रिड्यूस्ड फ्रॉम इंड्यूस्ड ईएमएफ, और यहां पर एक चीज मेंशन करना, बट नॉट फ्रॉम एमएमएफ, अदरवाइज यू कैन सी द फ्लक्स। फ्लक्स जो होगा वहां से हार्मोनिक्स रिडक्शन नहीं दिखेगा, बट आपका एमएमएफ मतलब फ्लक्स, यहाँ पे एमएमएफ सीधे पे एक ही चीज लिखिए, फ्रॉम फ्लक्स, तो फ्लक्स से आपको कभी भी रिडक्शन जो होगा वो केवल प्योर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, चूंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स से आता है, बट इस प्रोसीजर को करने से आपके फ्लक्स का इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लक्स का जो हार्मोनिक्स है वो रिड्यूस्ड नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से आपको प्योर साइनोसोडल का जो नेचर होता है वो बदल जाता है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि जो हमारी डीसी सप्लाई थी उसके बारे में बात करिए और कंडक्टर्स जो राउंड में होता है उसे आप बदल दीजिए। देखिए ये स्टेटर है, ठीक है, ये स्टेटर, तो स्टेटर पे क्या होंगे, कंडक्टर्स होंगे, एक कंडक्टर यहाँ होगा, एक कंडक्टर यहाँ होगा, एक कंडक्टर यहाँ, ऐसे ही आप एक कंडक्टर यहाँ और एक कंडक्टर यहाँ इस तरह से एज्यूम कर लीजिए। ये एक्स, ये y और ये z, इस तरीके से आप कुछ भी बना लीजिए और यहाँ भी क्या कर दीजिए, x y z कर दीजिए, तो x डैश हो जाएगा, ये y डैश और z डैश, मतलब कोई चीज राउंड में थी तो आप उसे लीनियर बना दीजिए समझने के लिए, क्योंकि एक भाग से तोड़कर ऐसे स्प्रेड कर सकते हो उसे, ठीक है। तो ये केवल एक फेस की बात हो रही है, एक फेस का पूरा कंडक्टर ये था, तो हमने इसके कुछ वाइंडिंग्स को डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया अलग अलग स्लॉट में। मैं एक फेज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर फेज की बात हो रही है, एक फेज में तीन कंडक्टर्स को, मतलब कंडक्टर्स को तीन पार्ट में डिवाइड करके तीन स्लॉट में डाल दिया। तो ऐसा करने से किस तरीके से आपकी जो सिग्नल है वो साइनोसोडल होगी वो हम देखते हैं। तो उसको देखने के लिए आप क्या करिए कि पहले ये तो रोटर का कंस्ट्रक्शन हो गया, अब देखिए इस डायग्राम से आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए इस डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले आप एज्यूम करिए कि जो आपका फ्लक्स है ना, वो फ्लक्स आपका कुछ यहाँ से इस तरह से है और ये यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये है आपका आई एफ, जो फील्ड करंट है वो फ्लैट टाइप का मान ले रहे हैं, मतलब वैसे तो वहाँ भी, इसीलिए वहाँ भी ऐसी चीज़ें की जाती है कि ये जो फ्लक्स आ रहा है ना एक्चुअल में ये कुछ इस तरीके से आए,
ये फ्लैट टॉप आ रहा है, केवल नॉर्थ पोल के डायरेक्शन में ले रहे हैं, हम नॉर्थ पोल की बात कर रहे हैं, ऐसे ही आगे साउथ पोल के फोल्डर में जाएगा, ठीक है ना, कुछ नॉर्थ पोल और फिर साउथ पोल। तो इस तरीके से केवल एक पोल को ले लीजिए और मान लीजिए कि ये आपका क्या हो रहा है, ओमेगा स्पीड से इधर मूव कर रहा है, यानी इस तरह से मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो आपकी फील्ड करंट है ये एमएमएफ है, और फील्ड का ये जो वेवफॉर्म देख रहे हो एमएमएफ ऑफ फील्ड, ये फ्लैट टॉप है यानी एक डीसी वैल्यू है, इसलिए हम इस तरह से समझ रहे हैं कि ये एक डीसी वैल्यू दे दिया है हमने, इसमें कोई भी एक्सटर्नल इम्प्रूवमेंट नहीं किया है इसे साइनोसोडल बनाने के लिए, रोटर साइड पे हमने कोई भी एफर्ट नहीं किया, ठीक है ना, रोटर साइड पे आपने कोई एफर्ट नहीं किया। अगर किया होता तो देखिए जिस तरीके का आईएमएफ का वेवफॉर्म होगा सेम वैसा ही इंड्यूस्ड ईएमएफ पर कंडक्टर में इसी शेप की इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट होंगे, क्योंकि फील्ड करंट की वजह से ही फ्लक्स आ रहा है और वो फ्लक्स रोटेट कर रहा है और इसी की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है। तो इफ वी आर टॉकिंग रिगार्डिंग द वेवफॉर्म ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दैट इज अ नथिंग, दैट इज अ फ्लक्स वेवफॉर्म, ओके, एंड हियर दैट अज्यूम आई डोंट मेक एनी प्रोसेस टू मेकिंग द साइनोसोडल फ्लक्स वेवफॉर्म, ओके। So what will happen now, first this will start and come from here, first it come to the z axis, जैसे ही घूमते हुए ये एक पोल की बात करें, ये z कंडक्टर को टच करके यहाँ ऐसे आगे बढ़ता जाएगा, तो ये यहाँ पे पहले अगर इधर से आ रहा है यहाँ टच करेगा फिर इस वाइंडिंग को, मतलब इस कंडक्टर को फिर इस कंडक्टर को, तो सारे कंडक्टर्स में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होंगे उनको आप अलग अलग निकाल दीजिए, ठीक है। तो देखिए जो पहले जेड को करेगा, मतलब तो जेड की जब बात करेंगे तो जेड को पहले टच करेगा ना, तो जेड में यहीं से आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ बनना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो देखिए ये अगर हम कुछ बात करें इस तरीके से अगर बना दे, तो अगर ये मैग्नीट्यूड है मान लीजिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका ई एक्स सॉरी EZ, क्योंकि हमने एक डायरेक्शन इधर ले लिया है ना, तो EX पहले नहीं आएगा, पहले Z वाला कंडक्टर आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक का एक DC वेवफॉर्म किसमें जनरेट होगा, कुछ इस तरीके का। अब अगर जो साउथ में जाएगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी ना बेटा, तो अब यही वेवफॉर्म आगे के लिए हमने केवल एक पोल को रेफरेंस लेकर चल रहे हैं कि नॉर्थ ने इसको टच किया, जब साउथ टच करेगा तो अब यही पोलैरिटी से नेगेटिव में मिल जाएगी, लेकिन ये फ्लैट टॉप डीसी नहीं एसी मिलेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल इस तरह से। तो अब देखिए जरा दूसरे वाले में करंट कैसे आएगी, वोल्टेज कैसे इंड्यूस होगा, अब इसके बाद यहाँ से ये टच करेगा, जेड वाला यहाँ से शुरू होगा यानी वाई का यहाँ से होगा और आपका सेम इधर कुछ इस तरीके से होगा, ये वोल्टेज ये आपका जो देख रहा है वो ये है ई वाई। अब एक्स में क्या होगा, सबसे लास्ट में होगा, तो इसलिए एक्स का जो वेवफॉर्म बनेगा वो केवल क्या होगा, मैग्नीट्यूड सबके सेम रहेंगे, क्योंकि सब में आपने अगर सेम कंडक्टर डिस्ट्रीब्यूट किया है तो सेम होगा, अगर आपने कंडक्टर की जो वैल्यू है वो भी अगर आपने चेंज कर रखा है तो आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आपका क्या होगा कि इसके मैग्नीट्यूड्स भी आपको वैरी करते दिख सकते हैं। तो फाइनली जब इन तीनों का रिजल्टेंट बनाया जाएगा, देखिए ये है आपका ई एक्स, अब अगर तीनों का आप क्या बना दीजिए ई एक्स वाई जेड, तो क्या होगा, तीनों को ऐड कर दीजिए ना, देखिए यहाँ से यहाँ तक केवल यही वोल्टेज है तो यहाँ से यहाँ तक केवल ये रहेगा, अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे, इसका मतलब ये स्टेप अप हो जाएगा कुछ इस तरीके से, अब यहाँ पर तीनों ऐड हो जाएंगे तो कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, देखिए अब फिर सेम वैसे ही इधर भी सेम सिमेट्रिकल फॉर्म कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ये सेम रहेगा जिस थोड़ा मेरा डायग्राम ऐसा हो गया, तो इस तरीके का वेवफॉर्म मिलेगा। अब देखिए अब यहाँ से अगर बात करें तो इस तरह से आप मिला है, तो ये कुछ ज्यादा साइनोसोडल दिख रहा है, यानी इसमें हार्मोनिक्स क्या होंगे इस वेवफॉर्म की कंपैरिजन करिए, और अगर एक कोई ऐसा वेवफॉर्म होता तो वहां पर अगर एक बनाते तो इस तरह से बनता, तो यानी हार्मोनिक्स कंपोनेंट यहाँ पर कम हो जा रहा है, ये आपका ज्यादा साइनोसोडल के फॉर्म में दिख रहा है, देखिए ध्यान से ऐसे समझ में आया। तो इस तरीके से आपका ऐसा करने से डिस्ट्रीब्यूटेड करने से कंडक्टर्स आपके जो हार्मोनिक्स होते हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं,
बट एक प्रॉब्लम और आती है कि ऐसा करने से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता है वो विदाउट उसकी वैल्यू पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। यानी अब जो ई एक्स वाई जेड आएगा ना बेटा, ये थोड़ा कम आएगा। मतलब अगर विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब ई इंड्यूस्ड क्या हो जाता है, स्लाइटली लेस देन नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग। मतलब ओवरऑल जो रिजल्टेंट हो जाता है वो इससे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है, देखिए अगर आपने डिस्ट्रीब्यूटेड किया सारे कंडक्टर्स को तो स्लाइटली क्या होगा, सारे कंडक्टर्स का रिजल्टेंट देखिए कुछ इस तरीके से आ रहा है। तो जब एक एक जब ये ऐड होते हैं तो क्या होता है कि वहां पर समथिंग लॉसेस ऑकर्ड होगी। ठीक है, बट आप इसे लॉसेस के फॉर्म में मत देखिए। चलिए तो फिलहाल क्या होगा कि ऐसा, चलिए अभी इसको रीजन यहाँ पे मेंशन मत करिए, ठीक है बाद में देख लेंगे इसे आगे। अभी तो कुल मिलाकर इतना याद रखिए कि इसका ये डिसएडवांटेज है। कुल मिलाकर ये जो हो गया ये इसका डिसएडवांटेज है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिसएडवांटेज। जब आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे कंडक्टर्स का अलग अलग स्लॉट्स में तो उसका डिसएडवांटेज है कि जो रिजल्टेंट ईएमएफ आएगा, अगर एक क्वाइल अगर एक जगह होता तो उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ ज्यादा आता, और इस तरह करने से क्या होगा कि कम आएगा। अब कैसे कम आएगा, क्या आएगा, इसके लिए हमें एक फैक्टर की जरूरत पड़ती है और उसे ही कहते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि हमें उतना ही मिले जो कंसंट्रेटेड वाइंडिंग से मिल रहा था, डिस्ट्रीब्यूशन मत करिए, नॉन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, तो उतना अगर आप चाहते हो तो यहाँ पर कंडक्टर के लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ई को सेम रखना चाहते हो, अगर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ को सेम रखना है तो कंडक्टर के लेंथ को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। तो कंडक्टर का लेंथ क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, और नहीं करोगे तो थोड़ा सा, इतना ज्यादा नहीं घटता है, बस हार्डली 4-5% ही कम हो जाता है। मतलब 100 वोल्ट अगर कंसंट्रेटेड से जनरेट होगा तो डिस्ट्रीब्यूटेड कर देने से क्या हो जाएगा कि उसका 6% लगभग, मतलब 6 वोल्ट बस कम हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट्स बहुत मिलेगा, क्वालिटी बहुत अच्छी इम्प्रूव हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं कि वो जो कम हो रहा है उसे कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो इसे आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम दूसरे को देखने की कोशिश करते हैं। चलिए कितना कम होगा उसके लिए एक फैक्टर आता है, उसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, ठीक है, अब इसे हम देख लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को देख लीजिए आप। इसका और एक नाम होता है, इसके लिए थोड़ा सा मुझे देखना पड़ा, या तो इसका अलग नेम होता है आपका, देख लीजिएगा ब्रिज फैक्टर, एंड द अदर नेम इज स्प्रेड फैक्टर। तो किसी भी नाम से ये दिया जाए इसका मतलब क्या होता है, देखिए इसको डिनोट करते हैं केडी से। केडी का मतलब क्या होता है आप दिखाता हूं मैं आपको, देखिए। अब इस फैक्टर को समझने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, केडी क्या होता है, केडी का मतलब होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब ईएमएफ विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग, विथ डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग और डिवाइडेड बाय
EMF without distributed winding, इसी रेशियो को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, और प्रोबेबली ये 0.95 या समथिंग ऐसे करके आता है। मतलब क्या होगा कि विदाउट में अगर 100 जनरेट हो रहा उसका कितना परसेंट ये जनरेट हो रहा है, ये बताता है। एक पर यूनिट वैल्यू एक फैक्टर है जो कि बताएगा कि कंसंट्रेटेड का कितना परसेंट विथ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ आपको मिलेगा। तो चलिए हम थोड़ा सा इसके डेरिवेशन को भी यहाँ पर कर लेते हैं। उसके पहले आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर जानना पड़ेगा। देखिए एम एक क्वांटिटी आएगी जिसे क्या बोलते हैं, पहले तो पोल पिच क्या होता है, पोल पिच जो स्लॉट पर पोल होता है उसे क्या कहते हैं, पोल पिच कहते हैं। एक तो ये चीज आपको मिल गई। अब यहाँ से एक और एम आएगा जिसको क्या बोलते हैं, स्लॉट पर पोल पर फेस। तो थ्री फेस की मशीन जनरली होती है। अब यहाँ से एक आता है स्लॉट एंगल, ठीक है, यानी आपका स्लॉट एंगल बीटा, एक वर्ड आएगा आपका बीटा जिसे बोला जाएगा। मतलब एक स्लॉट दूसरे, जैसे मान लो एक स्लॉट यहाँ पर ऐसे है ना बेटा, इस तरीके से आपका है स्लॉट्स। अब ये स्लॉट्स अगर इसके सेंटर पर जो बना रहा है और ये स्लॉट, एक स्लॉट के बीच का कितना ये एंगल हो रहा है वही आपका स्लॉट एंगल होता है। तो स्लॉट एंगल, और बीटा निकालने के लिए फार्मूला ये होता है कि 180 डिवाइडेड बाई स्लॉट पर पोल, ठीक है। तो ये सब फार्मूले आप कभी भी भूलिएगा मत कि 180 डिग्री है ये डिग्री में, डिवाइडेड बाई स्लॉट पर पोल कर देंगे तो आपको बीटा मिल जाएगा। और एम बीटा, अगर एम को बीटा से मल्टीप्लाई कर दोगे एम बीटा, तो इसी को बोलते हैं स्प्रेड एंगल, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं आपका फेज स्प्रेड। फेज स्प्रेड एम बीटा आपका किसमें होता है, फेज स्प्रेड एंगल। मतलब एक फेज दूसरे कहां तक फैला हुआ है कुल मिलाकर ये बताएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर हमें जरूरत पड़ेंगी। चलिए तो हम फार्मूले को प्रूफ कैसे करेंगे, चलिए इसको समझने के लिए पहले मानते हैं कि जो वोल्टेज इंड्यूस्ड इन वन कंडक्टर, यानी आपने अभी तीन पार्ट में हमने यहाँ डिवाइड किया था ना, वैसे ही आप कर दीजिए कि आप एज्यूम करिए, एज्यूम इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इन वन कंडक्टर इज इक्वल टू ई एस मान लीजिए, ठीक है। हमने इसे क्या मान लिया, ई एस मान लिया। अब जो रिजल्टेंट वोल्टेज आएगा, तो जितने भी कंडक्टर ऐसे होंगे सबको क्या करना होगा, जोड़ना पड़ेगा। तो अब उसे आप फाइंड कर लीजिए, जो रिजल्टेंट वोल्टेज है इन वन फेजर ग्रुप, रिजल्टेंट इन वन फेजर ग्रुप। क्यों मैं वन फेजर ग्रुप, क्योंकि एक फेज की बात होगा, ऐसा ही आर फेज में होगा, फिर ऐसे ही वाई फेज में होगा, ऐसे ही जेड फेज में होगा। तो किसी एक फेज का बस फाइंड कर लीजिए, दैट्स एनफ फॉर यू। रिजल्टेंट इन वन फेजर ग्रुप, उसको भी मैं कुछ एज्यूम कर लेता हूं, ठीक है, फेजर ग्रुप उसकी वैल्यू को आप एज्यूम कर लेते कि वैसे तो आप कोई भी नोटेशन दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कह रहा हूँ जो भी नोटेशन दिया उसी के रिस्पेक्ट में बात। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, एम क्या है, स्लॉट पर पोल पर बेस कितना है, एम है। तो आप एम को इसमें क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये रिजल्टेंट आपको मिल जाएगा एम इंटू ईएस। तो एक फेज का जो रिजल्टेंट ईएमएफ आएगा वो एम टाइम्स ऑफ वन कंडक्टर आएगा, ठीक है। देखिए इसका डेरिवेशन जो अब हो रहा है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बिल्कुल नहीं है, जो लास्ट में फार्मूला आएगा और यहाँ पर जो चीज़ें मैंने लिखा है वो चीज़ें जरूर याद रखिएगा कि ये होता क्या है, ये निकलता कैसे है। तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, तो डेरिवेशन आपकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं। बट दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कन्वेंशनल एग्जामिनेशन देन इट हैव टू रिक्वायर। तो जब आप इसे किसी मल्टीपल ऑप्शन के लिए पढ़ रहे हो तो इस पार्ट को उस समय स्किप करना जब तक कि आपको कन्वेंशनल के लिए ना कहा जाए, ठीक है। चलिए अब हम थोड़ा सा डिराइव करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ से आपका शुरू हो रहा है। देखिए ध्यान से जरा, ये कंडक्टर, ये इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ किसमें, ये ईएस
इसमें कुछ स्लॉट एंगल और यहाँ से जो एंगल ये बनाएगा, देखिए अब ये क्यों इस डायरेक्शन में जा रहा है, ऐसे जा रहा है मान लीजिए, तो ये जो यहाँ से एंगल बना रहा है ना बेटा ये, तो हमेशा तो ये एंगल जो होगा यही स्लॉट एंगल होगा बीटा। अब ये तो आपका ES हो गया। अब देखिए ये मान लीजिए A, सॉरी ये A, ये आपका B, ये पॉइंट। अब इसके बाद से दूसरा वाला जो फेजर होगा, क्योंकि सबके फेजेस अलग अलग आएंगे, तो दूसरे कंडक्टर में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, हमने मान लिया कि उसका भी मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन बदल जाएगी क्योंकि वो आगे वाले स्लॉट में है, सेम पोजीशन पे नहीं है, पोजीशन उसकी चेंज्ड है, जिसकी वजह से उसका फेज चेंज हो जाएगा। और कितना फेज चेंज होगा, उतना ही फेज चेंज होगा जितना स्लॉट एंगल है, एक स्लॉट से दूसरे बीच का एंगल, तो हमने बीटा माना है। तो अब देखिए ये इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन इससे क्या हो जाएगा, बीटा डिग्री क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा ये दूसरा वाला, लेकिन मैग्नीट्यूड तो इसका भी यस ही रहेगा। अब ये मान लीजिए सी, अब सेम ये ऐसे जाना चाहिए था, फिर ये बीटा डिग्री क्या हो जाएगा, ये बीटा, फिर यहाँ पर ये मान लीजिए कि ऐसे ही जितने भी कंडक्टर्स आएंगे, तो पहले हाफ वालों तक ले लीजिए, और ये तो यहाँ से यहाँ तक देखोगे ये रिजल्टेंट आपको मिलेगा, और ये सारे के सारे ES मिलेंगे, और सबके एंगल ये बीटा मिलते जाएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से हाफ मिला, ऐसे ही जितना मिलता जाएगा जितने भी कंडक्टर होंगे, एक ये पॉली मतलब एक तरह से सर्कल बना लेंगे। तो चलिए मान लीजिए कि सर्कल का जो सेंटर है वही है, सबको मिला दीजिए इस पॉइंट से, सारे वेक्टर्स को यहाँ से मिला दीजिए, ठीक है। इस तरीके से जो यही स्लॉट एंगल होगा ना, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जो फेजर हुआ है, इसके बीच का जो एंगल होगा वही क्या होगा, बीटा। अब क्या करिए कि इस पॉइंट से, इसके मिडिल पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री, और ये बीटा बाई क्या हो जाएगा 2, और ये भी क्या हो जाएगा बीटा बाई 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी बता रहा हूँ, ये मान लीजिए सेंटर O है, और यहाँ से यहाँ मान लीजिए कितने यहाँ से यहाँ है, तो अब ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट आपका सम आएगा इन सारे कंडक्टर्स में जितने भी इंड्यूस्ड ईएमएफ फ्लो हुए हैं उनका क्या आ जाएगा, वेक्टर सम, ये रिजल्टेंट। तो बस अब कुछ नहीं आपको करना है, सारी चीजें हो चुकी हैं, तो अब आप क्या कर दीजिए कि पहले ए बी फाइंड करिए, पहले आप एक सिंगल फाइंड करिए कि वेक्टर ए बी की वैल्यू कितनी है। चलिए वेक्टर ए बी कैसे निकलेगा, ए बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले देखिए ध्यान से, ये वाला एंगल है किसी इस ट्रायंगल में या इस छोटे वाले ट्रायंगल में, क्या लगा दीजिए साइन बीटा बाई टू, ये एंगल हाफ अप हो गया ना, तो साइन बीटा बाई टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब इसके सामने वाली जो भुजा होती है वो लंब होती है, मतलब कोई भी कर दीजिए ओ ई ओ बी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ओ बी डिवाइडेड बाई लंब बटा कर्ण, ठीक है, इसके सामने की लंब, सॉरी ठीक है, जैसे देखिए ये आपका हो गया ना, तो जो 90 डिग्री होता है अच्छा उसके सामने की हाइपोटेनस होती है, ठीक है, और जिस पर होती है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका क्या हो गया बेस। तो चलिए ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, मतलब इसका कुछ नाम दे दीजिए, तो ये ए बी, और इसका नाम क्या दे दीजिए, सी तो यहाँ पर है ऑलरेडी, ये पी दे दीजिए, तो ओ बी लंब बटा कर्ण, लंब का मतलब ये आपका पी बी, पीबी डिवाइडेड बाई ओ बी। अब ये सारी की सारी इस रेडियस से सारी की सारी, तो इसको आर, तो ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, तो पीबी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इतनी सी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पी बी इज इक्वल टू ओ बी को आर लिख दीजिए, ये हो जाएगा आर साइन बीटा बाई टू। अब जितना ये होगा उतना ये होगा, ये थ्योरम होती है आपको पता होगा, इसलिए ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू टाइम्स ऑफ पी बी, और यह इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टू आर साइन बीटा बाई टू। तो ये तो आपको इतना इंड्यूस्ड ईएमएफ, ए बी क्या है मैग्नीट्यूड है ना, और यही मैग्नीट्यूड इंड्यूस्ड ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है ES, ठीक है, तो आपको ये चीज तो मिल गई। अब इसके बाद आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा,
अब इसका अर्थमेटिक सम फाइंड कर दीजिए। सारे का अर्थमेटिक सम अगर फाइंड करेंगे, पहले अर्थमेटिक सम फाइंड करिए, अर्थमेटिक सम कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ई एस। एक में जो मैग्नीट्यूड है वो एम एस है। ऐसा कब होगा अर्थमेटिक सम, उस समय फाइंड करना होगा जब आपने वाइंडिंग में कंसंट्रेशन वाइंडिंग किया है, स्लॉट बनाया ही नहीं है, तो यानी सारा का सारा जो भी होगा एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही फेज होगा। तो इस तरीके से जब एक ही फेज हो तो जितने स्लॉट पर पोल पर फेज हैं उसको एक वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये अर्थमेटिक सम मिल जाएगा। लेकिन जब आप डिस्ट्रीब्यूटेड करते हो तो ये जो अर्थमेटिक सम होगा ये किसके लिए अलाउड होगा, ये अलाउड होगा बेटा किसके लिए, ये किसके लिए अलाउड होगा बताइए आप, ये अलाउड होगा कंसंट्रेटेड वाइंडिंग, मतलब जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया है, मतलब कंसंट्रेशन वाइंडिंग के लिए ये फॉर्मूला अलाउड होगा। ठीक है, इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर आगे मैं देखता हूं। इतना हो गया अर्थमेटिक सम, इतना आ गया। तो अब अर्थमेटिक सम इज इक्वल टू और m तो m रहने दीजिए, es ये a भी किसके बराबर है बेटा, es ही तो मैग्नीट्यूड ही तो निकल रहा है, es के इक्वल टू ही है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, m इनटू वो वैल्यू पुट कर दीजिए 2r sin बीटा / 2, और जो यहां से यहां पूरा ये एंगल होगा ये क्या होगा m बीटा। ठीक है, ये पूरा का पूरा एंगल बीटा 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 और जितने m टाइम्स ऑफ जाएंगे ठीक है उतना ही, जितने बार m होगा m की वैल्यू उतने टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एंगल m बीटा। तो ये तो आपको मिल गया आपको अर्थमेटिक सम। अब अगर वेक्टर सम चाहिए, वेक्टर सम की नीड कब पड़ेगी बेटा, वेक्टर सम कब जरूरत पड़ेगा, जब ये स्लॉट एंगल हो रहे हैं ऐसे, यानी यहां से ये वाला आपको चाहिए, इसका नाम कुछ कर दें d, इसका नाम e रख दीजिए इस पॉइंट का, ए चाहिए आपको वेक्टर ए ई। ए निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, ए अगर आपको निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यही आपका रिजल्टेंट होगा, मतलब रिजल्टेंट आपकी वेक्टर होगी। तो रिजल्टेंट यानी जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, तो जब आपने डिस्ट्रीब्यूशन किया है तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपली यही फार्मूला होगा, सारा का सारा सब कुछ वही होगा, बस अब जो फेज स्प्रेड हो रहा था रिजल्टेंट के केस में, तो ये एंगल आपका अब m बीटा और by 2 होगा, मतलब अब क्या हो जाएगा m बीटा by 2, मतलब अब ये पूरा एक फेज का स्प्रेड आएगा जब आप रिजल्टेंट वेक्टर निकालोगे। ठीक है ना, तो अब ये जो वेक्टर होगा ये विथ आपको, अब ये जो रिजल्टेंट आया है ये विथ आपका डिस्ट्रीब्यूशन बाइंडिंग आया है, और ये जो रिजल्टेंट आया है ये विदाउट आया हुआ है, तभी हमने डायरेक्ट जोड़ दिया है, क्योंकि वो नॉर्मल सम हो गया था, 10 चीजें हैं और 10 गुना कर दिया तो इसका मतलब नॉर्मल ऐड हो गया ना, लेकिन रिजल्टेंट निकालने के लिए मतलब क्या है कि बहुत सारे फेजर को ऐड किया, तो यहाँ पर हमने ये प्रोसीजर फॉलो किया। अब अपने फार्मूले में रख दीजिए, तो AD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विथ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन, विथ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ई आर और विथ मतलब एम ई एस, जो कि फार्मूला था तो इसी में पुट कर दीजिए, ई आर का मतलब 2R sin m बीटा by 2 डिवाइडेड by, अब ये वैल्यू रख दीजिए m into 2R sin बीटा by 2। अब देखिए 2R से 2R कैंसल, तो जो kd की वैल्यू यहां से निकल कर आ गई वो आ गई आपका sin m बीटा by 2 डिवाइडेड by m sin बीटा by 2। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप KD निकाल सकते हो, और ये 0.92 से लेकर 0.96 तक ही आता है, 92% 93%, 94%, 95% तक ऐसे आएगा। ठीक है, अब अगर बीटा इज वेरी स्मॉल,
अगर बीटा इज वेरी स्मॉल वैल्यू है बेटा, तो आप यहाँ एक चीज और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हो। देखिए इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, kd इज इक्वल टू, ये सेम रहेगा, साइन m बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई ये m और इनटू बीटा बाई 2, साइन नीचे से आ जाएगा अगर बीटा छोटा है। अगर ये अप्रोक्सीमेट फार्मूला होता है, ये आपका अप्रोक्सीमेट फार्मूला होता है, इससे करोगे और इससे तो वेरिएशन थोड़ा सा आता है तो स्मॉल है, तब अगर एग्जैक्ट निकालना है तो आप इसी का यूज करिएगा, और अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है तो इस तरीके से। तो आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए एक कंडक्टर, दूसरा कंडक्टर, तीसरा कंडक्टर, सब वो अगर एक ही जगह, सारे एक ही जगह हो तो हम बस एक वेक्टर अगर निकल गया तो उसमें जितने भी वो कंडक्टर हो रहे हैं अगर उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें वेक्टर मिल जाएगा कंसंट्रेशन के केस में। लेकिन जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन हो जाएंगे क्योंकि स्लॉट्स आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो वहां से हम वेक्टर सम जब निकालेंगे इसका रिजल्टेंट वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा कि पूरा फेज एंगल लेना पड़ेगा, स्प्रेड एंगल, एक एक फेज का जो पूरा स्प्रेड एंगल होगा। तो जब स्प्रेड एंगल मिल जाएगा उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पर ये वैल्यू और यहाँ से रिजल्टेंट, तो दोनों को जब डिवाइड करते हो वही केडी होता है। तो यहाँ से केडी का ही बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला निकल कर आता है, जहाँ पर एम क्या होता है, स्लॉट पर पोल पर फेज, ठीक है, स्लॉट पर पोल पर फेज, एंड बीटा इज योर स्लॉट एंगल। ओके, सो हाउ कैन यू फाइंड दिस ऑल वैल्यू, यू ऑलरेडी नो दिस वन। बट इफ देयर इज एम फॉर एंड हार्मोनिक्स, इफ देयर आर हार्मोनिक्स प्रेजेंट देन हाउ कैन यू राइट दिस फार्मूला फॉर द एंथ हार्मोनिक्स, what will happen for nth harmonics, for nth harmonics if there is any harmonics available then your kd value will be changed, okay, the kd value for fundamental, this one is for fundamental, if you are talking regarding I want to find out the kd value for the second harmonics, third harmonics, fifth harmonics, okay, what is the harmonics, I think you well know, so how can you write this formula, साइन एम एन बीटा डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई एम साइन एन बीटा डिवाइडेड बाई 2 बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर फॉर थर्ड हार्मोनिक्स सेकेंड हार्मोनिक्स फोर्थ हार्मोनिक्स एंड एज इट इज ओके सो दिस फॉर्मूला इज मच इम्पॉर्टेंट ओके आफ्टर दैट देखिए अब यहाँ पर मैं एक और आगे जो आपको डेरिवेशन कराना है ऐसे ही एक शॉर्ट पिच का फॉर्मूला आएगा, मैं दोनों को साथ में थोड़ा लिख देता हूँ। जब शॉर्ट पिच बाइंडिंग होगी, चलिए ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है तो अब इस वीडियो में अभी इतना ही रहेगा। अब शॉर्ट पिच, जब शॉर्ट पिच आएगा तो वहां पर डेरिवेशन तो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा, लेकिन फॉर्मूला यहाँ पर देख लीजिए कि शॉर्ट पिच बाइंडिंग अगर हो गई तो बताया था कि ये क्या होता है, तो वहां से भी नुकसान यही होता है कि ऐसा करने से भी हमारा जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो फुल पिच से कम आता है, मतलब यहाँ पर एक आएगा पिच फैक्टर केपी और उसकी वैल्यू होगी आपकी आएगा कॉस अल्फा बाई 2, ये आपका शॉर्टेड, ये एंगल होता है, मतलब जिससे शॉर्टेड एंगल, शॉर्ट पिच एंगल, ये आपका शॉर्टेड एंगल होता है, कितने एंगल शॉर्ट कर रहे हो, शॉर्टेड एंगल यानी कितने एंगल आप क्या कर रहे हो, शॉर्ट कर रहे हो। अब nth हार्मोनिक्स अगर आ गया तो kp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos n अल्फा बाई 2, तो इस फॉर्मूले को भी हम कल डेराइव करेंगे, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रहने दीजिए, भले से ये वीडियो छोटी हो गई है तो अभी हम इसको अगली वीडियो में रिकवर कर लेंगे। तो ये दोनों kp और kd, इन दोनों को ही बोला जाता है वाइंडिंग फैक्टर्स। तो वाइंडिंग फैक्टर्स दो तरीके की आपने देख लिया, फर्स्ट आपका डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और दूसरा आपका पिच फैक्टर। ये पिच फैक्टर क्या होता है, कैसे ये फार्मूला आया है, उसको हम अभी देख लेंगे कल, लेकिन डेरिवेशन कभी कहीं पूछता भी नहीं है, तो इसलिए आप फार्मूला याद रखिए। शॉर्टेड एंगल है कि कितने डिग्री शॉर्ट किया गया, उसको डिग्री में लिखना होता है।
ठीक है ना, कितने स्लॉट शॉर्ट कर रहे हो, तो स्लॉट को डिग्री में बदलना होता है, ठीक है ना, क्योंकि फुल पिच है। जैसे कैसे बदलोगे वो चीजें मैं वहां दिखा दूंगा, तो या तो सीधे की एग्जांपल लेकर वहां पर देख लेंगे। तो इस फॉर्मूले को मत भूलिएगा, केपी का मतलब होता क्या है वो जरा देख लीजिए एक बार, क्योंकि यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ कि केपी का मतलब क्या होता है। जनरली अगर केपी आप लिख रहे हो, देखिए यहाँ पर तो क्या होगा, ईएमएफ विद शॉर्ट पिच, ईएमएफ विद शॉर्ट पिच डिवाइडेड बाय ईएमएफ विद फुल पिच। जब आपने फुल पिच कर रखा था तब इंड्यूस ईएमएफ, तो शॉर्ट वाला उसका कितना परसेंट आता है, ये चीजें बताती है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम ये भी 92 है सत्य, और ये दोनों जो मिल के होते हैं वो वाइंडिंग फैक्टर कहलाते हैं। यानी के डब्ल्यू से डिनोट करते हैं तो इक्वल टू दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, केडी केडी इनटू केपी, ये वाइंडिंग फैक्टर होता है। और उस फॉर्मूले में यही आपका क्या कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है वाइंडिंग फैक्टर से, क्योंकि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा अब वो चेंज हो जाएगा, इसे हम आगे कवर कर लेंगे। ओके गाइस, आई होप आपको समझ में आया होगा। जो चीजें नहीं समझ में आ रही आप कमेंट कर दीजिए या ग्रुप पे आप पूछ लीजिएगा, एक भी डाउट अगर हो रहा है तो ये डेरिवेशन में देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है तो कोई बात नहीं, उसे एक दो बार आपको देखना पड़ेगा अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, फिर भूलेगा, लेकिन फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। चलिए, ओके गाइस, थैंक यू।